हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं सोया हुआ था, रात में 3 बजे लगभग सोया है, तो मेरे व्हाट्सएप में बुढ़िया मैसेज की थी कि उसकी अम्मा को लेके कतर मॉल जाना है। तो मैं भी आराम से रात में सो रहा था, फिर थोड़ा सा नींद खुला है तो व्हाट्सएप किया है, तो देख रहा है कि बुढ़िया मैसेज की है, उसकी अम्मा को कतर मॉल लेके जाना है। तो जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो गया और उसके घर पे जा रहा है, उसको लेके कतर मोल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइज, मैं रूम से निकल दिया हूँ और ये देखो, मैं रूम के पास एक छोटा सा राउंड अबाउट है, देखो ये जो सामने दिख रहा है ये लुलु मार्केट है। और भाई, ये जब ओपनिंग हुआ था तभी एक बार आया था, देख सकते हो भाई। अंदर गया तो रेट देखा तो दिमाग खराब हो गया भाई, हम लोग नहीं खरीद कर सकता है, बहुत ही हाई रेट रहता है लुलु मार्केट का। मैं अपने रूम से निकलता हूँ तो ये एक सनैया का ब्रिज पड़ता है, और भाई साहब यहाँ पे कभी भी आ पाएगा, रात हो दिन हो कभी भी आएगा, तो यहाँ पे जाम मिलना ही मिलना है। गाइज, मैं आ रहा था रास्ते में तो थोड़ा हमको टायर में हवा कम लगा है, तो मैं इधर ही आ गया है पेट्रोल पंप पे हवा डलाने के लिए। गाइज, गाड़ी में थोड़ा हवा कम था तो ये देखो कुछ सिस्टम है हवा डालने का, और ये भाई साहब अभी हवा डाले हैं और बोला है मैं बिल लेके आना, तो बिल लेके अभी आ रहा है। हवा डलाने का 5 रियाल होता है, तो मैं उसको 10 रियाल दिया है, तो चेंज शायद नहीं था तो चेंज लेने गया है। मैं मैडम के अम्मा के घर पे पहुंच गया है, और इधर आ कोई उसको फ़ोन दिया तो बोलती है कि थोड़ा वेट कर, और लड़की जो है रेडी नहीं हुई है, शायद कुछ मेकअप वेकअप आपको पता ही होगा, तो मेरे को बोली है कि इधर ही बैठो, मैं आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये कुछ बैठने वाला बनाया है, इधर ही सब लोग बैठता है, और ये एक एसी लगा हुआ है, देखो चालू है, तो इधर ही बैठ के वेट कर रहा है उसका, जब फोन आएगा फिर गाड़ी में जाएगा। गाइस, ये 2 घंटा लगातार वेट किया है, उसके बाद कॉल आया है कि गाड़ी चालू कर, और उसका लड़की बोला था कि 1 बजे तक आ जाना, मैं 1 बजे इधर आके पहुंच गया है और 2 घंटा वेट किया, यानी 3 बज रहा है अभी, तो अभी 3 बजे यहाँ से निकल रहा है, तो देखो कब तक पहुँचता है। यहाँ पे वेटिंग का काम बहुत दिक्कत है भाई साहब, बुला के इसे बैठाया रहेगा ना काम ना कुछ, तो भाई क्या करोगे, कतर में आए हो तो करना तो पड़ेगा, चाहे 1 घंटा वेट कराए चाहे 4 घंटा वेट कराए। तो मैं इसीलिए चला आता है क्योंकि मेरा मैडम का अम्मा जो है वो थोड़ा बुढ़ी हो गया है, मैं इसके लिए चला आता हूँ, यही सोच के मैं उसको रात में मैसेज भी किया है कि मैं नहीं जाएगा, तो बोलती है ओके, तो फिर मैं सोचा यार बुढ़ी हो गई है बेचारी, जाके ले जाके छोड़ देता हूँ, कतर मोल जाएगी शायद, अपना इधर उधर घूमेगी। गाइज, 3:30 बजे मैं इधर पहुंच गया है कतर मॉल में, और इधर छोड़ दिया है, और पूछी है खाना वाना खाया है कि नहीं, मैं बोला खाना कहाँ से खा लेगा जब 1 बजे तुम्हारे पास आ गया, तो बोलती है ठीक है थोड़ा इंतज़ार कर, मैं एटीएम से पैसा निकाल के खाने के लिए दे रहे हैं। तो मैं इधर ही जो है गेट पे अभी रुका हुआ है और वेट कर रहा है, पैसा ले लेगा फिर उसके बाद जाएगा खाना खाने। ये देखो, ये है कतर मॉल, लिखा हुआ है मॉल ऑफ कतर, देख सकते हो। और वो जो ब्रिज आपको दिख रहा है वो मेट्रो स्टेशन है, इधर मेट्रो भी आता है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा ऊपर किया है और आगे जाके पूरा अंडरग्राउंड कर दिया है। वो लोग को छोड़ के खाना पीना खा के इधर आ गया, और इधर इतना गर्मी पड़ रहा है कि देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, और ये शैतान लोग घूम रहा है इतना गर्मी में, बताओ। तो
तो क्या करोगे भाई, कतर में आए हो तो करना तो पड़ेगा। ये देखो इधर भी पूरा खाली पड़ा है, इधर भी पूरा खाली पड़ा है, पीछे भी पूरा खाली पड़ा है। गाइज मैं पार्किंग में बैठा हुआ है और एक भाई साहब किधर से भूलते भटकते आया मेरे पास, बोलता है भाई आप किधर के हो। मैं बोला भाई मैं इंडिया से हूँ। बोलता है भाई मेरे को कहीं काम उम है तो बताओ, 10 महीना से जो है इधर घूम के 12-13 हज़ार रियाल कर्जा हो गया है और काम नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला भाई मेरा एक खुद बैठा हुआ है रूम में 3 महीने से काम उम कहीं नहीं मिल रहा है। तो भाई कतर का स्थिति ये समय बहुत ही ख़राब है, फिर खास करके आज़ाद वीजा में काम करने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर का काम मिल नहीं रहा है और घर के अंदर जो करने वाला है यानी ड्राइवर हुआ, खाना बनाने वाला हुआ, साफ़ सफाई करने वाला हुआ, ये सब के लिए अभी बढ़िया है, और बाहर जो करता है उसके लिए तो भाई इधर बहुत मुसीबत अभी हो गया है। तो भाई कतर आओ तो थोड़ा भी सोच समझ के आओ, कतर में काम ही नहीं है कहीं बाहर करने के लिए।